कर देगी। तो आप एक ब्लैक दिखेगा तो एक गोरा दिखेगा, ऐसे हर पेड़ में आपको दिखेगा। तो देख रहे हैं ये आखिरी है जो अंग्रेजिन थी, तो ये रुकी थी, तो अब ये दुनिया में नहीं है शायद, 2021 सन लिखा हुआ है, थोड़ा मैं हिंदी कम समझ पाता हूँ। तो आप ये देखिए साइड में, और इस साइड भी है जो सब डेड बॉडी जो इधर वो भी है सब गाड़ी। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, जय श्री राम, मैं पवन यादव। गाइस अभी बज रहे हैं काफी, 6 बजने वाली है और हम पहुंच गए हैं निधिवन। तो निधिवन चलते हैं, तो अभी ऑटो से आए हैं, निधिवन जाने के लिए रास्ता इधर से है, ये बोर्ड लगा है एरो इस साइड है, तो हम आए हैं इस साइड से, बाकी बिहारी वाला इधर रास्ता जा देता है, तो निधिवन जाएंगे सीधे। तो गाइस चलेंगे इधर सीधे निधिवन की तरफ इस साइड, और ये पतली सी गली है, और देखिए ऊपर से जो गेट है काफ़ी पुराना लग रहा है। निधिवन ललिता कुंड भी है इसके अंदर में, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको अभी। तो गाइस चलते हैं मंदिर के अंदर में, और सुबह वहाँ मंदिर के अंदर उतारते हैं उस साइड में, तो आप देख लो बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। अभी सुबह सुबह टाइम है तो थोड़ा कम भीड़ है। ये गेट है, मेन गेट ये है, तो एंट्री करते हैं इसके अंदर में। तो गाइस चलते हैं अंदर में और देखते हैं शूज कहाँ कहाँ है, साइड उतार सकते हैं, उधर उतारते हैं। तो शूज उतारेंगे और रखेंगे इस साइड, बंदर की बहुत आतंक है इधर। तो ये है यहाँ का प्रसाद, राधा रानी का श्रृंगार होता है ये, जो वही सब है अंदर में। तो 120 का मिल जाएगा आपको, और इस साइड में देखिए सब प्रसाद वगैरह। एंट्री गेट करने पे, एंट्री करने पे ही पड़ता है ये। तो गाइस हम एंट्री कर चुके हैं, शूज भी निकाल चुके हैं, और ये है कैंपस प्रसाद वितरण का, और ये है कुछ इस तरीके से अंदर आने पे। उस साइड से एंट्री उधर से है और एग्जिट उधर से था, तो फर्स्ट टाइम आए हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगी। ये है एंट्री गेट। तो गाइस एंट्री कर चुके हैं निधिवन में, और मैं दिखाता हूँ आपको सुबह मॉर्निंग टाइम आप निधिवन देखेंगे तो काफ़ी शांति रहेगी और चिड़ियों की आवाज़ है। तो चलते हैं इसके आगे, निधिवन का बहुत मानता है और बहुत कहानियाँ हैं इसकी, कहते हैं कि मान, और गाइस सच में ये इंसान जितना हाइट होती है उतना ही हाइट रहती है इनकी। बंदर बहुत है इस साइड देखिए, बहुत बंदर हैं, और काफी आवाज आ रही है राधे राधे नाम का। ये है ललिता कुंड, तो आप देखिए ये है ललिता कुंड, और अभी गेट नहीं खुला हुआ है, इसको धोएंगे उसके बाद यहाँ पे फिर एंट्री करेंगे, कोई मॉर्निंग टाइम है। गाइस ये है ललिता कुंड, जब ये रास लीला कर रहे थे यहाँ पे सब लोग, तो ललिता जो उनकी फ्रेंड थी राधा की, काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी, तो उनको प्यास लग गया, तो इसलिए वो कृष्ण जी ने बांसुरी से वो कुंड बनाया था, तो उसका नाम ललिता कुंड हो गया है। इस साइड से चलेंगे और आगे, और ये देखिए पूरा तुलसी के पेड़ है शायद यहाँ पे, और सब इंसान की लंबाई जो है ये जितने इंसान की होती है उतना इसकी भी होती है पेड़ की, तो ललिता कुंड यहाँ तक भी है देखिए, क्योंकि काफ़ी कह रहे हैं इस साइड आप देखिए, और कहते हैं कि ये पेड़ जितनी भी पेड़ हैं ये सब गोपियाँ हो जाती हैं, और इसमें दो पेड़ लिपटे रहेंगे, एक काला रहेगा और एक ब्लैक, तो जो ब्लैक रहेगा वो भगवान श्री कृष्ण रहेंगे, और जो सफ़ेद रहेगा वो राधा रानी रहेंगी, गोपियाँ रहेंगी। भीड़ देखिए काफ़ी ज़्यादा है, मॉर्निंग टाइम में इतना भीड़ हो गया, तो शायद भीड़ देखो काफ़ी ज़्यादा है। और ये देखिए ये भी तुलसी का पेड़ है, जितने यहाँ पे हैं सब तुलसी के पेड़ हैं देखिए। ये सब तुलसी के पेड़ हैं, आपको दिखेंगे जितने यहाँ पे हैं सब तुलसी के पेड़ हैं। आप ये देखिए इस साइड, ये भी तुलसी का ही पेड़ है, और पूरा आपको दिखेगा ऐसे इस साइड भी, और इस साइड दोनों साइड आपको दिखेंगे ये सब। ये देखिए देखिए पूरी, तो यहाँ पे रास लीला कर रहे हैं और गिर गए, और रास लीला करते करते गिर गए। तो इस हॉल है ये छोटा सा आगे आंगन में, तो आप इधर देखिए, तो यहाँ पे रास लीला भी करते हैं सब लोग। ये देखिए तुलसी के पेड़ काफी बड़े बड़े हैं, आपने ऐसा कभी तुलसी पेड़ नहीं देखा, मैं भी नहीं देखा था इतने बड़े। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी बैठते हैं रात को, जब यहाँ रास लीला होती है, तो देखिए सिंहासन बना हुआ है, तो इसको स्पर्श करते हैं माथ से, और इस साइड आपको देखेंगे पूरा हॉल बना हुआ है रास लीला करने के लिए।
उस साइड देखिए और इस साइड भी देखिए बना हुआ है, तो दिखाते हैं आपको। अब अंदर देखिए बहुत दुष्ट है। कट कट चलते हैं इस तरफ से ऐसे होते हुए बाहर की तरफ, तो और दिखाते हैं आपको रास्ते में जो जो भी मिलता है। वो स्थान है जहाँ पे राधा जी ने कृष्ण भगवान के वंशी चोरी किया था, तो ये वंशी चोरी राधा रानी मंदिर है। यहाँ से चलते हैं फिर इस मंदिर में, बट इस मंदिर में फोटो अलाउड नहीं है, तो बाहर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ऐसे है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रंज और मस्तक लगा मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति माने और यानी यार मुक्ति क्या है? मुक्ति 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 जय समाधि है। तो ये लोग नियम का उल्लंघन किए थे, रासलीला देख लिए थे, तो उनकी डेड बॉडी यहाँ पे है। तो ये देखिए इस साइड में बहुत सारी है। 2018 15 7 5 लेकिन जाने आने वालों को कर्मचारी नहीं तो गलती दे देगा। भक्तों आज चार जा सकते हैं, कुछ आने वाले को कोई चिंता नहीं है। वापिस कौन आया उसके बारे में सभी डिटेल लिखी है, अंदर कोई रहा है बना है या चिंता। तो देख रहे हैं ये आखिरी है जो यंग रेजिंग थी, तो ये रुकी थी, तो अब ये इस दुनिया में नहीं है। शायद 2000 कुछ सन लिखा हुआ है, थोड़ा मैं हिंदी कम समझ पाता हूँ। तो आप ये देखिए साइड में और इस साइड भी है, जो सब डेड बॉडी जो इधर वो भी है सब गाड़ी है। ये है लास्ट, ये लेडीज है, उसके बाद यहाँ भी है और इस साइड भी है। देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ, आप भी पढ़ लीजिएगा। और इस साइड भी ये देखिए, और उधर और उस साइड ये और ये। ज्यादा बड़ा नहीं, इतने बड़े बड़े हैं जो एक इंसान का होता है हाइट, और ऐसे देखिए पूरा बंदर का कहर होता है। तो एग्जिट इधर से करना है, तो अभी करते हैं, इसलिए थोड़ा सा खुला है, तो इस साइड घूमते हैं। चलते हैं इसके नीचे अंदर में और दिखाते हैं आपको इस साइड। देखिए पूरा बंदर होते हैं बाहर, और ये देखिए दी जाएगा छोटे छोटे हैं, और इसमें दो लिपटे रहेंगे, एक काला और एक गोरा। तो मैं आपको दिखाता हूँ साइड देखिए, तो आप एक ब्लैक दिखेगा तो एक गोरा दिखेगा, ऐसे हर पेड़ में आपको दिखेगा इस साइड भी। और मैं दिखाता हूँ आपको, ये है निधिवन, और इस साइड देखिए पूरा ऐसे है। देखिए इसमें भी गोरा और काला है, ऐसे है। हम बाहर आ गए हैं, और निधिवन कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी रहस्यों से भरा रहता है ये निधिवन, और जो मंदिर मैंने आपको दिखाया था उस मंदिर में कहना ये रहता है कि जब किवाड़ खुलता है तो राधा रानी का जो सिंगार वाला जो मंदिर था उसमें जो फर्स्ट मंदिर थी, तो उसमें कहते हैं कि दतून चवाया मिलता है, और कपड़े वगैरह अस्त व्यस्त रहते हैं जो राधा रानी यूज़ किए रहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे रहस्य हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।